अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं www.computingcase.com की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आज आपको HTML कोर्स की 6 क्लास में वेलकम कहता हूं। 6 क्लास में हम बात करने जा रहे हैं लिंक्स पे, उसकी प्रॉपर्टी और उसके एट्रीब्यूट कैसे कैसे और किस लिए यूज़ होते हैं। एक्चुअली बात करते जाएं, लिंक किस लिए यूज़ होते हैं, क्या होते हैं लिंक होते हैं किसी यूज़र को या किसी विजिटर को, किसी क्लाइंट को एक डॉक्यूमेंट से, एक फाइल से या एक वेब पेज से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे फाइल, किसी दूसरे वेब पेज पे प्रेफर कराने के लिए, विजिट कराने के लिए हम लिंक का यूज़ करते हैं कि ये विजिटर, ये यूज़र इसको क्लिक करे और अब इस पेज पे चला जाए, तब हम लिंक का यूज़ करते हैं। आइए हम यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर, उस पर वर्किंग करते हैं। आप भी अपना नोटपैड प्लस ओपन करिए, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ यूँ होता है। इसके लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर, कुछ यूँ लिखा जाता है। बट हमने HTML में इसका कंप्लीट एंकर नहीं लिखना, इसका जस्ट हमने लिखना है ए का टैग ओपन और ए का टैग क्लोज, और यहाँ पे हमने देना होता है टेक्स्ट जो यूज़र को नज़र आए। और इस ए के पीछे मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमने एट्रीब्यूट लिखना है वो फर्स्ट टैग के आगे और उसकी एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले लिखना है। और यहाँ पे मैंने लिखना है हाइपर रेफरेंस, मतलब कि किस चीज़ का मैं अब रेफरेंस, किस चीज़ का पाथ देने जा रहा हूँ, किस फाइल का या उसका URL एड्रेस मैंने क्या देना है, तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ कि विजिट आवर फेसबुक पेज। हमारा जो computingcase.com का पेज है, फेसबुक पेज, अगर आप वो विजिट करना चाहते हैं तो उसका मैं क्या करूँगा, इधर क्या एड्रेस दूंगा, कुछ यूँ लिखते हैं उसको http://www.facebook.com और फिर /, हमारा क्या है एड्रेस कंप्यूटिंग केज। अब मैं इसको सेव करके जब ब्राउजर पे मैं इसको रन करूँगा तो कुछ मुझे इस तरह रिजल्ट मिलेगा, ये आ गया। अब लिंक दो तरह से पता चलते हैं कि यहाँ पे लिंक लग चुका है, एक उसका कलर ब्लू हो जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन लग जाती है। सेकेंड बात यह है कि जब उसके ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे तो उसका पॉइंटर हैंड शेप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, फेसबुक पेज पे ले जाएगा। इसका रिजल्ट मैंने क्लिक किया, वो लोड नहीं हो रहा। आई थिंक हमने क्या किया, facebook.com computing केज नहीं लोड हो रहा। नो प्रॉब्लम, मैं हम चेंज कर लेते हैं। मैं करता हूँ कि जस्ट आप गूगल पे जाना चाहते हैं तो गूगल का, तो गूगल के लिए मैं क्या लिखता हूँ, http://www.google.com से रिफ्रेश करता हूँ। गूगल पे जाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ पे ले जाएगा, गूगल पे। आई थिंक वो facebook.com पे नहीं लेके जा रहा था, कोई मसला था या नेट की स्पीड कम हो गई इस वजह से। बहरहाल हमें क्या है, हमने गूगल यहाँ पे आए, पॉइंटर चेंज हो गया, उस पर क्लिक किया, कहाँ पे ले गया, google.com पे। अब एक और बात है, अगर हम इस google.com पे इसी टैब पे शो करना चाहें इसी ब्राउज़र की, तो उसके लिए हमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक अगर इसी टैब में ही हमने इसको google.com को ओपन किया जिस तरह हो रहा है, या हम न्यू टैब ओपन हो और उसमें शो, उसके लिए क्या है, उसके लिए टारगेट का एटीट्यूड यूज़ होता है। और यहाँ पर हम अंडरस्कोर, एक होता है सेल्फ और एक होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए है वो नेक्स्ट टैब पे ले जाता है और सेल्फ उसी टैब में रहता है, जो बाय डिफॉल्ट रखें उसी तरह ही है।
मैं रिफ्रेश करता हूँ गूगल को, जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे इस टैब से इस टैब में आके ओपन करके दिखा रहा है। आई होप आपको समझ लग रही होगी। एक और इसका एट्रीब्यूट यूज होता है टाइटल, ठीक है ना? तो टाइटल किस लिए, मैं लिखता हूँ विजिट गूगल डॉट कॉम। हमने लास्ट टाइम 5th क्लास में बात की थी, ये टाइटल होता है किसी चीज़ के ऊपर कर्सर लेके जाएं, वो शो रिफ्रेश किया मैंने, सेव करके आया और इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आया, क्या शो हो रहा है मुझे, विजिट गूगल डॉट कॉम। तो आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। तो ये लिंक पर जस्ट इतना सा काम करना था। उसके बाद क्या है, एक्चुअली लिंक दो तरह के होते हैं, अभी आपको समझाता हूँ। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। एक लिंक हमारा होता है रिलेटिव लिंक और एक हमारा लिंक होता है एब्सोल्यूट लिंक। जो हमारा रिलेटिव लिंक होता है वो होता है हमारे लोकल फोल्डर, लोकल डायरेक्टरी, हमारे अपने लैपटॉप से कोई पेज हमने उसको लोड करवाना है लोकल फोल्डर से। और ये एब्सोल्यूट होता है कि ऑनलाइन ही किसी और वेबसाइट का, किसी और चीज़ का हमने दे दिया, किसी सर्वर का, हम अपने लोकल फोल्डर या कंप्यूटर का ना दें, वो होता है एब्सोल्यूट। ये देखिए, ये गूगल डॉट कॉम लिखा, ये हमारा है एब्सोल्यूट। अब मैं अपना कोई पेज लोड करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उस पेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। हमारे ये HTML का कोर्स है, मैं 5th क्लास जो हमने काम किया है लास्ट टाइम वो लोड करवाना चाहता हूँ, उसका नेम कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, नेम पेस्ट करता हूँ, डॉट HTML लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ विजिट आवर के हमारी 5th क्लास को विजिट करें, वो ओपन हो जाएगी। और इसका मैं के लिए टाइटल लिख देता हूँ कि ये 5th क्लास है, ताकि जब विजिटर कर्सर ऊपर सेव करता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखिए जब विजिटर ऊपर कर्सर लेके आएगा तो उसको ये नज़र आ रहा है 5th क्लास क्या है हमारी, टाइटल, उसको टाइटल भी नज़र आ रहा है 5th क्लास, और उसका कलर क्या हो गया, विजिट आवर 5th क्लास। जब इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे नेक्स्ट, क्योंकि हमने टारगेट क्या किया, ब्लैंक। अगर मैं यहाँ पे आके इसकी जगह सेल्फ कर दूँ या कुछ भी ना लिखूँ तो हमारा क्या है, उसी टैब में ही ओपन करेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो क्या है, उसी टैब में ओपन करके हमें दिखा रहा है। और जो लिंक के स्टाइल होते हैं वो चार तरह के होते हैं, वो हम CSS प्रॉपर्टी में करते हैं, बट अभी आपको बता देता हूँ। एक होता है नॉर्मल लिंक, जो आप अभी देख रहे होते हैं उसका कलर क्या होता है, ब्लू। और एक होता है हमारा एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक किस लिए यूज होता है, कि आपने लिंक के ऊपर कर्सर को क्लिक किया हुआ रखा है, प्रेस किया हुआ रखा है, तो वो होता है हमारा एक्टिव, कि जब आप छोड़ेंगे वो कहाँ पे ले जाएगा, हमारे टारगेट पे। और एक और होता है विजिटेड, जब आप क्लिक करके छोड़ के किसी अगले पेज पे विजिट करके वापस आएंगे, उस कलर, उसका टैग, लिंक का कलर क्या होगा, चेंज हो चुका होगा, या जो हमने प्रॉपर्टी यूज की होगी वो अप्लाई हो चुकी होगी, तो वो होता है विजिटेड। और एक लास्ट वाला होता है होवर। होवर किस लिए यूज होता है, अभी बताता हूँ मैं, इधर आता हूँ। अब इसके ऊपर मैं लेके आया कर्सर, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या होगा, उसका लिंक शो होगा यहाँ पे, आप देखिएगा। इसके ऊपर लेके आया कर्सर तो ये देखिए शो हो रहा है मेरी डायरेक्टिव फाइल कॉलन सी यूजर सुहेब डेस्कटॉप, कहाँ पे मुझे डायरेक्टिव सारी बता रहा है। इसके ऊपर कर्सर मैं रख रहा हूँ, ये है हमारा एक्चुअली, ये जो शो हो रहा है ये नॉर्मल लिंक है, इसके ऊपर कर्सर रखा है तो ये मेरा है होवर, और इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो कलर चेंज हो गया, ये है हमारा एक्टिव, कि मैंने अभी क्लिक किया हुआ है अपने माउस के राइट क्लिक को, तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट को, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया हुआ है मैंने, तो ये मेरा क्या है, एक्टिव लिंक। जब मैं छोड़ूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वापस जाऊंगा इसका कलर चेंज होता रहता है, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं कलर चेंज हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा विजिटेड, कि ये विजिट हो चुका है, जो कि हो चुका है जिसका कलर ये चेंज है, बाय डिफॉल्ट जो कलर वो होता है ब्लू। तो आई थिंक आज आपको
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समय लगी होगी, सिंपल सी थी, नो प्रॉब्लम, आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आपको समय लगेगी। तो मुझे दीजिए नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और किस पे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टाइटल होगा, टॉपिक होगा, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं हम मार्क्यू पे, जो बहुत ज़्यादा फेमस है मार्क्यू। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको, नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।